हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन मेहता, योर एसएस टीचर. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिवीजन. सो इन दिस सीरीज टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इन दिस वीडियो आई विल रिवाइज यू वेरियस टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो गेट रेडी फॉर दैट. As you know that MCQ questions are also assumed to come. So from this one we will start our revision. Multiple choice question, Vastunisht Prashan. Select the correct answer from the given option. नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए. What was the theme of the printing of Frederick Soryu? फ्रेडरिक सोरियो की जो तस्वीर थी उसका मुख्य थीम क्या था, यानी उसका मुख्य जो है विजन क्या था, उद्देश्य क्या था, किस आइडिया को वो डिपिक्ट करना चाह रहा था, डेमोक्रेसी को, सोशलिज्म को, कैपिटलिज्म को और नन ऑफ द अबो, लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं. तो इसमें बेटा अगर हमें इस टाइप के ऑप्शन आते हैं तो, और उसके जैसे हमें पता है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का इकट्ठा आ जाए तो हम उसी को सही मानेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी को अकेला दिया गया है तो हम डेमोक्रेसी को ही यहाँ पर इंडिकेट करेंगे राइट आंसर के रूप में, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो दिखाना चाहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू नेपोलियन. नेपोलियन के संदर्भ में कौन सी बात निम्नलिखित में से सही नहीं है. तो पहली बात कौन सी है, ही इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड, उसने नेपोलियन का कोड स्थापित किया, यानी अपने सुधारों को अपने नाम से इंट्रोड्यूस किया. ही प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, उसने फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया या उसको आगे बढ़ाया. ही मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रेशनल और एफिशिएंट, और उसने अपने प्रशासकीय प्रणाली को और ज़्यादा यथार्थ पर आधारित किया और प्रभावशाली बनाया. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू ऑल रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और नेपोलियनिक कोड जो बनाया गया था वो फ्रांस के अधीन सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू किया गया या वहाँ पर भी भेजा गया या वहाँ पर भी लागू किया गया. तो इन फोर ऑप्शन में से आपको, जैसा कि पता ही आपने चैप्टर पढ़ा है, कि बी ऑप्शन सही है, ही प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे कि सही कैसे कहा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड दिया गया था कि कौन सी बात सच नहीं है नेपोलियन के संदर्भ में, यानी कौन सी बात गलत दिखाई दे रही. ये देखिए, नेपोलियनिक कोड उसने इंट्रोड्यूस किया, नो डाउट किया. उसके बाद सेकंड ऑप्शन था कि सेकंड ऑप्शन को अगर हम एक बार बीच में छोड़ देते, थर्ड को देखिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको मोर रैशनल और एफिशिएंट बनाया, हाँ जी बनाया था उसने. और इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं, नेपोलियनिक कोड को उसने अपने अंडर में आने वाली सभी फ्रेंच कॉलोनीज में एक्सपोर्ट किया या फिर वहाँ पर इम्पोज किया. तो ये बात भी सही है. तो फिर गलत कौन सी है, कि उसने डेमोक्रेसी को एक्सटेंड किया, वो खुद रूलर बना था, वो खुद वहाँ का डिक्टेटर कह सकते हो, रूलर कह सकते हो, किंग कह सकते हो, बन गया था. तो फिर ऐसे में डेमोक्रेसी को एक्सटेंड कैसे कर सकता है वो. तो यानी ये बात जो है वो सूट नहीं कर रही, यानी गलत है. तो हमारा आंसर ये रहेगा. अब नेक्स्ट देखिए बेटा, हु हेडेड द वियना कांग्रेस ऑफ 1815, 1815 की वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी. द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, द जर्मन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, द फ्रेंच चांसलर ड्यूक मैटरनिक. देखिए यहाँ पे ड्यूक मैटरनिक तो सेम है, और लेकिन जो कंट्रीज के नेम हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं. तो ऐसे में जिसने चैप्टर थ्रू आउट द चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, कंसेप्ट उसको क्लियर है, तो आई थिंक वो 1 सेकंड के अंदर ही ये अज्यूम कर लेगा कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है. वो है आपका जर्मन चांसलर ड्यूक मैटरनिक. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट सोसाइटीज वॉज फॉर्म्ड बाई जोसेफ मेजिनी एंड वेयर. निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, गुप्त संस्था, जोसेफ मेजिनी ने स्थापित की थी और कब कहाँ की थी. यंग इटली इन मर्सेल्स, यंग यूरोप इन बर्न, यंग यूरोप इन इंग्लैंड, यंग इटली इन रोम. और इसमें हम जो ऑप्शन के रूप में देख पा रहे हैं
तो इसमें से बेटा हमारे दो ऑप्शन सही आ जा रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला आपके सामने आ जाए, पहली बात तो ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि टीचर या जो भी एग्जामिनर होगा वो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा कि कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस ना दे वो आपको। फिर भी आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि इसमें जो यंग इटली इन मर्सेल्स वाला पहला ऑप्शन है वो भी सही है, और सेकंड जो है यंग यूरोप इन बर्न ये भी सही है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर पूरे ध्यान से इसको इसका फॉर्मेशन करेगा, यानी फोर्थ ऑप्शन के रूप में वो फिर क्या करेगा कि बोथ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे डाल के फोर्थ ऑप्शन में डालेगा, तब जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको चूज करना है या किसी और को चूज करना है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ चुका है, फिर मैं आगे बढ़ा रही हूँ। फिर अगर बाई चांस एग्जामिनर आपको जज करना चाह रहा है कि पहले जैसे मैंने वो आपको ऑप्शन दिया है वैसा दिया गया है, तो है आपके लिए कन्फ्यूजन। लेकिन अगर बाई चांस वो इस टाइप से और ऑप्शन दे देता है आपको, जैसे यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन ओनली 2 and 3, यानी केवल 2 और 3 सही हैं, सी ऑप्शन में देखिए केवल 3 और 4 सही हैं, और डी ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ द अबो, यानी सारे सही हैं, तो हमें इन 4 ऑप्शन जो कि लास्ट में दिए गए हैं उनमें से किसी एक राइट आंसर को चूज करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही हमें सही लगता है, क्योंकि उसमें ए और यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों सही हैं, तो दिए गए भी हैं और इसीलिए हम उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन फ्रांस नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज गोल्ड हु सेड दीज वर्ड्स, जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये वाक्य किसने कहे थे? मैटरनिक ने कहे थे, लेनिन ने कहे थे, नेपोलियन ने कहे थे, या फिर विलियम फर्स्ट ने कहे थे? तो इसमें आपको पता ही है मैटरनिक ने बोला था ये शब्द, इसलिए हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे मैटरनिक को। और अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऑप्शन राइट ऑप्शन को या आंसर को दोबारा से लिखिए, तो आप आंसर में उसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन, यानी जर्मनी का एकीकरण होने के बाद जर्मनी का राजा किसे बनाया गया या किसे राजा के रूप में घोषित किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, द प्रशियन किंग विलम फर्स्ट, द रशियन किंग विलम फर्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओटोवन बिस्मार्क और लेनिन। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेनिन का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ओटोवन बिस्मार्क एक चीफ मिनिस्टर था तो वो कैसे राजा बने, और रशियन किंग का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब प्रशिया के राजा विलम फर्स्ट को क्या बनाया गया था, आफ्टर यूनिफिकेशन जर्मन एम्परर के रूप में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इंटू डैश स्टेट्स, 19वीं शताब्दी के बीच में या 19वीं शताब्दी के मध्य के दौरान जो इटली देश था वो कुल कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो आप लेसन पढ़ चुके हैं, आपके पास ऑप्शन है 5, 6, 7, 8, इसमें से 7 ऑप्शन सही है, यानी 7 राज्यों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसलीज हाउस, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में इटली के खुद के राजकुमार या खुद के ही शाही परिवार के सदस्य शासन कर रहे थे, यानी इटली के खुद के राजा यहाँ पर रूल कर रहे थे? सार्डिनिया पिडमोंट, पेपल स्टेट, वेनेशिया और टस्कनी। तो यहाँ पर आपको याद ही होगा सार्डिनिया पिडमोंट ही एक ऐसा अकेला राज्य था जहाँ पर इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली वॉज लेड बाई, इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका नेतृत्व किसने किया था? सार्डिनिया पिडमोंट ने किया था, पेपल स्टेट ने किया था, वेनेशिया ने किया था, या टस्कनी ने किया था? एज यू नो सार्डिनिया पिडमोंट ने किया था। द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड डैश रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, अब यूनाइटेड ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के ग्रेट ब्रिटेन के रूप में जो फॉर्मेशन हुआ है वो कौन से एक्ट ऑफ यूनियन के तहत हुआ? तो ये जो यूनाइटेड किंगडम बना ग्रेट ब्रिटेन वो इंग्लैंड और कौन से दूसरे देश के बीच में समझौते की वजह से बना? एक्ट ऑफ यूनियन किन दो देशों के बीच में लागू हुआ? वो था बेटा स्कॉटलैंड, रशिया, फ्रांस, रशिया का तो कोई यहाँ लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्कॉटलैंड को ही हम देख सकते हैं कि उसके साथ एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया था और उसको जो ब्रिटिश पॉलिसी है वहाँ पर इम्पोज की गई थी। नेक्स्ट देखिए, डैश वॉज अ फीमेल एलेगोरी
विच रिप्रेजेंटेड द पीपल्स नेशन इन फ्रांस। एक ऐसी महिला रूपक जिसका इस्तेमाल किया गया था फ्रांस के देश में रहने वाले लोगों को दिखाने के लिए। तो यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पे, फ्रांस की जो मदरलैंड है उसको कौन सी फीमेल फिगर का नाम दिया गया है? जर्मेनिया, मैरियन, भारत माता, नन ऑफ द अबो। जर्मेनिया या मैरियन या फिर भारत माता या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? मैरियन, यानी मैरियाना जो है वो फ्रांस को दर्शाने वाला रूपक था, यानी फ्रांस देश की मातृभूमि के रूप में मैरियाना को देखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 द एरिया वॉज कॉल्ड। 1871 के बाद यूरोप में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी उलझाव का जो दौर था, सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच चुका था कौन से एक कंट्री के अंदर? तो यहाँ पर आपको फोर ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर, रशिया, रशिया, बलकान्स और इंग्लैंड। तो फोर ऑप्शन में से आप सबको पता है 1871 की बात जब वो चल रही है और यूरोप के एक पार्ट की बात चल रही है, एक देश की बात चल रही है, तो ऐसे में ये जो नेशनलिस्ट टेंशन का जो अमर्ज हुआ था, यानी राष्ट्रवादी भावनाएं जहां पर सबसे ज़्यादा पनपी और अपने देश को आज़ाद कराने की जो संघर्ष शुरू हुआ, और इसकी वजह से कौन से ऐसे देश थे जो टर्की एम्पायर का पार्ट होते हुए उससे अलग होने की घोषणा कर रहे थे, वो थे बालकान स्टेट्स। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिए, अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेज इन द पॉलिटिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड ऑफ यूरोप इन द 19th century। 19वीं शताब्दी में यूरोप में, यूरोप के संसार में, यानी संसार में यूरोप के क्षेत्र में जो राजनीतिक और भौतिक बदलाव आए, किसकी वजह से? एक ऐसी शक्ति जिसकी वजह से बहुत ही स्वीपिंग चेंजेज आए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आए, ना केवल संसार के मटेरियल वर्ल्ड में बल्कि यूरोप में भी 19th century में, वो किसकी वजह से आए? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, द अमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट की वजह से, यानी राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण की वजह से, द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर बहुराष्ट्रीय जो वंशों की राज्य थे उनकी वजह से, और टेरिटोरियल स्टेट एक क्षेत्रिक राज्यों की वजह से, अब्सोल्यूट मोनार्की यानी संपूर्ण राजतंत्र की वजह से। तो सबसे ज़्यादा बदलाव 19th century में यूरोप में और वर्ल्ड के मटेरियलिस्टिक व्यू में जो देखने को मिले वो किसकी वजह से हुए थे बेटा? वो थे द अमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, यानी जैसे जैसे देश बड़े राज्य के रूप में, बड़े देश के रूप में कन्वर्ट होते चले गए, उनके मन में होड़ लग गई, उनके मन में ये भाव आ गया कि उन्हें दूसरे राज्यों को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहिए, यानी अपने देश का विस्तार करना चाहिए। कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन इस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो इस बात में विश्वास नहीं करते कि कुछ भी नया स्थापित किया जाए या उसे सुरक्षित किया जाए। तो वो किसको प्रिजर्व नहीं करना चाहते या इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते? वो मोनार्की को नहीं करना चाहते या डेमोक्रेसी को नहीं करना चाहते, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट और सोसाइटी को नहीं करना चाहते या सोशल हायरार्की को नहीं करना चाहते। देखिए राजतंत्र को तो वो करना चाहते हैं, ये तो आपको पता है, रूढ़िवादी लोग हमेशा से पुरानी संस्थाओं को लाइक करते हैं, समाज के पुराने ढांचे को पसंद करते हैं, राजतंत्र को पसंद करते हैं और समाज में चली आ रही परंपराओं। सोशल हायरार्की का मतलब क्या होता है? पुराने समय से चली आ रही परंपराएं, सामाजिक रूप से जो हमारे जो नियम होते हैं उनको तो वो फॉलो करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश और प्रिजर्व करना चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को वो, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो सुरक्षित बनाकर रखना नहीं चाहते या उसकी स्थापना वो नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707। 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ आयरिश, यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। एक्ट ऑफ यूनियन जो कि पास हुआ था 1707 में, इससे ग्रेट ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बीच में इसको पास किया गया था, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ था, यानी संयुक्त राज्य महान ब्रिटिश देश का उद्भव हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बालकान पेनिनसुला। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ बालकान प्रायद्वीप के अंदर रुचि नहीं रखती थी, यानी उसमें शामिल नहीं होना चाहती थी? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा देश इंटरेस्टेड नहीं था बालकान मैटर में पढ़ने के लिए। वो इंग्लैंड,
जर्मनी, रशिया और जापान। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर में, हमें जापान का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। जर्मनी आ चुका है, रशिया आ चुका है, इंग्लैंड भी आ चुका है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, जापान का कोई इंटरेस्ट नहीं था बालकान रीजन के मैटर में, यानी बालकान में एरिया हड़पने में, यानी क्षेत्र का विस्तार करने में जापान उस समय तक आगे नहीं आया था। Which of the following is true regarding how the new artist depicted liberty during the French Revolution? निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है, किस संदर्भ में कि जो नए नए कलाकार होते हैं वो आज़ादी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कैसे दिखाते थे, एज ए फीमेल फिगर दिखाते थे जिसके हाथ में एक टॉर्च होती थी एनलाइटनमेंट की और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन होता था, या फिर एक आँखों पर पट्टी बंधी हुई औरत के रूप में दिखाते थे जिसके हाथ में एक हाथ में जो है तराजू होता है, और या फिर वो गोल्ड रेड और ब्लैक ट्राइकलर को शो करता है इस रूप में दिखा रहे थे लिबर्टी को, या फिर रेज ऑफ राइजिंग सन, यानी आर्टिस्ट किस रूप में लिबर्टी को डिपिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें ये अज्यूम करना है कि चैप्टर के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सूट करता है इस बात को। तो देखिए, आर्टिस्ट जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आज़ादी को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखा रहे थे जिसके एक हाथ में टॉर्च है, ज्ञान की रोशनी वाली मशाल है, और दूसरे हाथ में क्या है, मानवाधिकारों का चार्टर, मानवाधिकारों की घोषणा करने वाला एक पेज उसके हाथ में है जिसके जरिए वो आज़ादी को दिखा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, आप हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर बाई ड्यूक मैटरनिक, निम्नलिखित में से ड्यूक मैटरनिक द्वारा बताया गया सामाजिक क्रम को बाधित करने वाला या समाज के एक बड़े दुश्मन के रूप में किसे डिक्लेयर किया था, यानी ड्यूक मैटरनिक ने समाज का दुश्मन किसको माना है, लुइस फिलिप को, कैरोल कुरपेंस्की को, या फिर जूसेफ मेजनी को, या फिर जॉन गॉटफ्राइड को। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, चैप्टर आपने पढ़ा है कि लुइस फिलिप का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वो फ्रांस का था, कैरोल कुरपिंस्की पोलैंड से बिलोंग करने वाला पर्सन है, जॉन गॉटफ्राइड जर्मनी से बिलोंग करने वाला पर्सन है, ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर है, तो फिर ऐसे में वो किसको रेवोल्यूशनरी के रूप में देख रहा है या सोशल एनिमी के रूप में देख रहा है, सोसाइटी के एनिमी के रूप में देख रहा है, वो है जूसेफ मेजनी, यानी जूसेफ मेजनी को उसने समाज का एक सबसे बड़ा दुश्मन माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फीमेल एलगोरी ऑफ द जर्मन नेशन, जर्मनी देश के लिए कौन सी औरत रूपक का इस्तेमाल किया गया है, यानी औरत के रूप में किस फिगर को यूज किया गया है जर्मनी कंट्री को डिपिक्ट करने के लिए। तो इसमें से आपके फोर ऑप्शन ये रहेंगे, मैरियन, जर्मेनिया, ब्रिटेनिया और मेजिनी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जर्मन देश की मातृभूमि के रूप में जर्मेनिया को देखा जाता है, क्योंकि ये वर्ड देखिए जर्मन नेशन और जर्मेनिया सेम सेम दिखाई देता है ना, ये टंग जो है इसकी जर्मेनिया जर्मन, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि वो अपनी कंट्री के लिए किसका चुनाव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाने वाली संधि का नाम बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि के जरिए यूनान एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। तो यहाँ पर देखिए, वियना ट्रीटी ऑफ 1815, कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी, डिप्लोमेटिक ट्रीटी ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, नन ऑफ दीज, यानी 1815 का जो वियना सम्मेलन है उसका कोई रोल था इसमें, या कुस्तुंतुनिया की जो संधि थी उसका रोल था, या फिर सार्डिनिया पिडमोंट ने जो कूटनीतिक समझौता किया था फ्रांस के साथ उसका कोई रोल था ग्रीस के रेफरेंस में, या फिर इन तीनों में से ऊपर नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी उस ट्रीटी के थ्रू ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन को के रूप में डिक्लेयर किया गया था, यानी कुस्तुंतुनिया की संधि, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इटालियन लीडर्स वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नोर ए डेमोक्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा इतालवी नेता ना तो क्रांतिकारी था ना वो एक लोकतांत्रिक व्यक्ति था, यानी ना तो वो डेमोक्रेसी को एक्सटेंड करना चाहता था ना ही वो क्रांति के जरिए राजतंत्र को उखाड़ना चाहता था, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, मेजिनी, कैबूर, गैरिबेल्दी, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये सभी के सभी इटली से बिलोंग करने वाले पर्सन हैं। ऐसे में मेजिनी देखिए रेवोल्यूशनरी था, गैरिबेल्दी क्या था, एक वॉलेंटियर था जो कि अपनी मर्जी से ही युद्ध में शामिल हुआ, विक्टर इमैनुअल
राजा था और कैवूर क्या था, चीफ मिनिस्टर। तो ये बात किसके लिए लागू की गई है कि ना कैवूर के रूप में, यानी कैवूर को इस तरीके से चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया कि ना तो वो रेवोल्यूशनरी है यानी क्रांतिकारी है, ना ही वो लोकतंत्र का संस्थापक है। तो हम कैवूर को राइट ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, वॉट वॉज द आइडिया ऑफ ए ले पैट्री एंड ले सिटियन सिग्निफाई इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ले पैट्री और जो ले सिटियन वाले जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे वो मूल रूप से कौन से विचारों को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। द मदरलैंड एंड द चिल्ड्रन, द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स, द कम्युनिटी एंड द सिटीजन्स, द स्टेट एंड द कम्युनिटी। तो इसमें से बी ऑप्शन सही रहेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पितृभूमि और नागरिक वाला जो कंसेप्ट था वो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर अडोप्ट किया गया ले पैट्री और ले सिटियन के रूप में। ले पैट्री मतलब फादरलैंड और ले सिटियन का मतलब है सिटीजन्स, यानी पितृभूमि और नागरिक। एल ए द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वॉज यूज टू मेजर। जर्मनी के अंदर एल ए नाम का जो एक मापक इकाई इस्तेमाल की जाती, यानी किसी भी चीज़ को मापने की जो इकाई इस्तेमाल की जाती थी वो किस चीज़ के लिए की जाती थी, किस चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती थी एल ए। तो एल ए जो है बेटा, क्लोथ, थ्रेड, लैंड और हाइट, इन चार ऑप्शन में से क्लोथ के ऊपर यूज की जाती थी, यानी कपड़े को मापने के जो मेजरमेंट के लिए जो यूनिट होती थी उसको हम एले कहते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द प्रशियन जोलवराइन वॉज टू। जोलवराइन जो ग्रुप बनाया गया था प्रशिया के द्वारा, उसका मुख्य काम क्या था। नीचे में से चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करना है। इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, आयातित सामान के ऊपर जो है शुल्क लगाना। अबोलिश टैरिफ बैरियर्स, व्यापार में बाधा कर आने वाले जो नियम हैं उनको ख़त्म करना। रिड्यूस कस्टम ड्यूटी या फिर जो शुल्क लगाए जाते हैं उनको कम करना। इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स फॉर ट्रेड, और व्यापार के लिए नए नियम लागू करना। तो ये देखिए चार ऑप्शन हैं। तो जोलवराइन का जो मेन एजेंडा था या फंक्शन था वो था एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, यानी सेकेंड ऑप्शन, ये बी ऑप्शन जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, कि जितने भी व्यापार के रास्ते में बाधाएं थी उन सबको ख़त्म करना ही जोलवराइन का संस्था का मुख्य उद्देश्य था, यानी जोलवराइन ग्रुप बनाने का मुख्य मकसद यही था कि व्यापार में आने वाली सभी बाधाओं को ख़त्म किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हु सेड व्हेन फ्रांस नीजी द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज गोल्ड। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मैटरनिक ने बोला था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वूमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स सिंबोलाइज। आँखों पर पट्टी बंधी हुई और एक हाथ में तराजू लिए हुए जो औरत का रूप दिखाया गया है वो किस चीज़ का प्रतीक है, यानी किस चीज़ के लिए ऐसे सिंबल को यूज किया गया है। पीस के लिए यानी शांति के लिए, इक्वालिटी यानी समानता के लिए, जस्टिस यानी न्याय के लिए, लिबर्टी यानी आज़ादी के लिए। तो इसमें से न्याय के लिए जस्टिस ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन के रिगार्डिंग यानी एक्ट ऑफ यूनियन के संदर्भ में कौन सी बात, निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। इट वॉज साइंड इन 1707, ये 1707 में साइन किया गया था, हस्ताक्षरित किया गया था। इट वॉज साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था, यानी इन दोनों ने समझौता किया था। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसका परिणाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के रूप में सामने आया, यानी एक संयुक्त राज्य महान ब्रिटिश एम्पायर का जन्म हुआ। इट रिजल्टेड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन स्कॉटलैंड, इसकी वजह से स्कॉटलैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। तो आप देखते हैं कि ऊपर के जो तीन पॉइंट हैं वो तो बिल्कुल सही हैं, वो एक्ट ऑफ यूनियन से बिलोंग करते हैं, जबकि हमें क्या बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है। तो यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही रह जाएगा कि स्कॉटलैंड को एक डेमोक्रेसी के रूप में इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। एकीकृत इटली का पहला राजा किसे घोषित किया गया था, किंग जॉर्ज सेकंड को, केसर विलियम फोर्थ को, निकोलस सेकंड को, विक्टर इमैनुअल सेकंड को। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इनमें से विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है वो
इटली से बिलोंग करने वाला एक रूलर है जो कि आफ्टर यूनिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था. विच ऑफ द गिवन पॉइंट्स डिड नॉट डिफाइन द टर्म लिबरल नेशनलिज्म फॉर द पीपल ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी. निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं पॉइंट्स, इनमें से कौन सी टर्म इसको लिबरल नेशनलिज्म को डिफाइन नहीं करती यूरोप के संदर्भ में और 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के लोगों के लिए. उदारवादी राष्ट्रवाद के रूप में कौन सी बात सही साबित नहीं होती है. देखिए, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, व्यक्तिगत आज़ादी और कानून के समक्ष समानता, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सामूहिक सहमति से बनी हुई सरकार, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, तानाशाही का अंत और क्लैरिकल प्रिविलेजेज और क्लैरिकल जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं जन्म से ही, जो जन्म विशेषाधिकार दिए जाते हैं उनका खात्मा, गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू वायलेट द राइट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकार के द्वारा जो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार है उसको भंग करना या उसको ख़त्म करना. तो यहाँ पर आप लिबरल नेशनलिज्म की जब बात करते हैं तो ऊपर के तीन ऑप्शन हमें सही लगते हैं इसके संदर्भ में, जबकि हमें क्या बताना है, डिड नॉट डिफाइन, जो इसकी सही परिभाषा नहीं देता, तो वो है गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू वायलेट द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का हनन सरकार के द्वारा. तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं बेटा. Who played the key role in unifying Germany? जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसने जर्मनी के एकीकरण में अपना सहयोग दिया? फ्रेडरिक विलहम फोर्थ ने, ओटो वन बिस्मार्क, मैटरनिक, केसर विलियम फर्स्ट. तो इसमें बेटा आपका बी जो ऑप्शन है, ओटो वन बिस्मार्क, इसकी वजह से ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पॉसिबल हो पाया. तो आप सबको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और क्लियर कट आपको मैंने सारी बातें समझाई हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको रिवाइज करेंगे. थैंक यू.